हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड क्रिस्पी सा चटपटा नाश्ता, पोहा आलू टिक्की। बहुत ही पसंद आती है ये बच्चों को और बहुत ही हेल्दी भी रहती है बच्चों के लिए पोहा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, मटर बॉयल की हुई और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, ये तीन उबले हुए आलू लिए हैं। चलिए मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। पोहा मैंने यहाँ पर दो बार धोकर अच्छे से एक कप पानी में भिगोकर रखा हुआ था, काफ़ी फूल चुका है, आप देख रहे हैं एकदम मैसी सा पोहा हो गया, एकदम फूल चुका है। इसको हम अगर मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं एक साथ मैश करूँगी इनको। यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो लिया हुआ था जो मैंने ऐड कर दिया। अब जाएगा इसमें हरा धनिया, मटर, हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें, प्याज डाल देंगे, प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे दो अनियन लिया हुआ था चॉप्ड की हुई, एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च। आप अगर ज़्यादा चटपटा पसंद कर सकते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जाएगा इसमें एक चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आप चाहें अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ डाला मैंने एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से अब मिलाते हुए बाइंड कर लूँगी, एक डो की तरह बना लेंगे हम इसको। पोहा यहाँ बाइंडिंग का काम करता है, जब तक ये सारी चीज़ें बाइंड होने लगें आपस में तब तक हम इनसे मिला लेंगे। अब हाथ पे घी लगा के मैं इनकी टिक्कियाँ तैयार करूँगी, एकदम चिकनी अच्छी टिक्की बनकर तैयार हो जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं फटती है। पोहा यहाँ बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम कर रहा है। हम ऐसे गोल शेप में दबाते हुए सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनकर तैयार हो रही है। इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा कुछ भी ऐड नहीं किया है हमने, फिर भी पोहा यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम कर रहा है। ये देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही मैं सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। पहले टिक्कियाँ एक साथ बनाकर रख लें। इन सब टिक्कियों को मैं ओनली दो चम्मच घी में फ्राई करने वाली हूँ, डीप फ्राई नहीं करूँगी, डीप फ्राई उतना हेल्दी नहीं रहता है। दो चम्मच घी में हम आज टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। देखिए मैंने तवा गरम कर लिया है, यहाँ पर दो चम्मच घी गरम हो गया है, इन पर मैं सारी टिक्कियाँ रख देती हूँ। मीडियम फ्लेम रखेंगे यहाँ पर हम, धीमे धीमे इन टिक्कियों को सिकने देंगे और दबा दबा कर हम सेकेंगे इनको आराम से मीडियम फ्लेम पर। क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें सेकेंगे, जब तक ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत अच्छी सिकती हैं ये टिक्कियाँ। अगर आप चाहें तो इनको मैदे में कोट करके और कॉर्नफ्लोर में कोट करके आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं कटलेट के फॉर्म में, बट मुझे कम ऑयली पसंद है तो मैं यहाँ दो चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। केवल दो चम्मच घी में टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। घी में ही फ्राई करें आप। देखिए टिक्कियाँ सिक गई हैं, एक साइड से मैंने पलट दी हैं, अब आप देख रहे हैं एकदम गोल्डन कलर आ रहा है इस पर। अच्छे से आप दोनों साइड ऐसे सेक लें। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। देखिए मेरी टिक्कियाँ सिक गई हैं और अब मैं इन्हें गैस बंद कर दूंगी और सर्व करूंगी। आप इसे इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, हरे धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ केचप के साथ टिक्कियाँ सर्व की हुई हैं। दोस्तों एंजॉय करिए आलू पोहा टिक्की और आज ही बनाइए, लाइक करें।